नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहले सबसे इस बटन को आप लोग दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो लोग अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के हाथ का फोटो खींच करके, ये अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश हो रहा है 9120-1015, इस नंबर पर आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। हैंड एनालिसिस की जो फीस है 500 रुपये फीस है, हमारे यहाँ पेड सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं। तो चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं, शुक्र मेखला। शुक्र मेखला जो है बहुत सारे लड़कों के हाथ में भी पाया जाता है और बहुत सारी फीमेल के भी हाथ में पाया जाता है। इस रेखा का क्या मतलब होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ सारी जानकारी देंगे। तो चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी जीवन रेखा होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है और ये हमारी हृदय रेखा होती है। शुक्र मेखला रेखा की बात कर रहे थे, मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। शुक्र मेखला की जो रेखा होती है ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे बनती है, एक ऐसे भी जाती है, और ये रेखा जो है ऐसे नीचे से थोड़ा सा झुकाव लेकर के चलती है। फिर से मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ये रेखा इस पोजीशन पर चलती है, ठीक है। अगर ये रेखा बिल्कुल साफ़ सुथरी अगर देखने को मिलती है, ठीक है, अधिक से ज़्यादा पुरुषों की हथेली पर देखने को मिलती है, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कामुक स्वभाव के होते हैं। दूसरी बात यह है कि इन लोग ऐसे जातकों के ऊपर जो है विश्वास भी कम करना चाहिए, ख़ास तौर से रिलेशनशिप के तौर पर। अगर रिलेशनशिप अगर आप बना रहे हैं अभी आप किसी अपने पार्टनर के साथ, किसी मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर के साथ, तो आप सचेत हो जाइए कि आपको धोखा कभी भी मिल सकता है, ठीक है। ये जो रेखा होती है, ये रेखा बहुत सारे व्यक्तियों की हथेली में पाई जाती है। ये समलैंगिक मिथुन, जो लोग मुठ मारते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं लोगों के अंदर, तो उनकी हथेली पर ये रेखा देखने को मिलती है। और ख़ास तौर से रिलेशनशिप भी काफ़ी लोगों का ऐसे लोगों के साथ काफ़ी बार टूटता है, ठीक है। ये बात है, कभी कभी जो है ये रेखा टूटी हुई रेखाओं में मिलती है। अगर यही रेखा अगर टूट रही है, ठीक है, इस तरीके से टूटती हुई ऐसी रहती है ये रेखा, यहाँ से चली, फिर थोड़ी चली, फिर ऐसे टूटी, बीच बीच से जो गैपिंग में होके टूट रही है ये रेखा, तो ये रेखा दुराचारता, लांछन वगैरह भी इंसान के ऊपर लग जाता है। कभी कभी जो है केस वगैरह भी ऐसे जातकों के ऊपर लग जाता है, मेल पार्टनर के ऊपर। अधिक से ज़्यादा ये मान के चलिए कि 30% पुरुषों में ये रेखा जरूर पाई जाती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो संसार का जो नियम है वो संभोग जब इंसान का होता है तभी सृष्टि का आगे जो है सृष्टि का निर्माण तभी हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये रेखा पाई जाती है, ठीक है। बट लेकिन ये रेखा ज़्यादा शुभ नहीं होती है, लोगों के लिए कभी कभी दुखदायी हो जाती है, ख़ास तौर से इंसान का, लोगों का घर टूट जाता है और इंसान अपने ऊपर काबू भी नहीं कर पाता है, ठीक है, ऐसी बात है। तो मैं आशा करती हूँ इस रेखा के बारे में आज आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के माध्यम से सीखा और जाना, अच्छा अच्छा ज्ञान आप लोगों ने प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जो गुरु दक्षिणा होती है वो देना आवश्यक होता है। तो आप लोग 21 रुपये से लेकर के जितनी भी आपकी श्रद्धा है वो आप लोग गुरु दक्षिणा आप लोग दे सकते हैं। जो भी आप गुरु दक्षिणा देते हैं वो हमारे चैरिटी पे जाता है, ट्रस्ट पे जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। गुरु दक्षिणा आप लोग यहाँ पर, ये पेटीएम दिख रहा होगा, ये पेटीएम आईडी आप लोगों को दिख रही है नीचे यहाँ पर। इस पेटीएम आईडी पे आप लोग यहाँ पर जो है इस पे गुरु दक्षिणा आप लोग भेज सकते हैं, या फिर ये गूगल पे आईडी दिख रही है आप लोगों को, इस पे आप लोग जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, राधे राधे।